हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद फिर एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरी शादी गांव में हुई है। वैसे मैं सिटी से बिलोंग करती थी, कानपुर सिटी से बिलोंग करती थी, लेकिन अब क्या है, मैं मैनपुरी से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी मैनपुरी में हुई है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक गाँव है, वहीं पर मेरी शादी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सी रस्में ऐसी हैं जो मैंने कभी देखी भी नहीं और कभी की भी नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कुछ रस्में जो हैं मैं खुद करती हूँ और मुझे आइडिया भी नहीं रहता है इसमें क्या होता है, तो वो मेरी मम्मी जी मुझे बता देती हैं। तो आज का भी एक इसी टाइप का एक ब्लॉग बना रही हूँ, जिसमें मुझे उस रस्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, आज ही पता चला। तो सोचा एक ब्लॉग बना के रेडी कर लेती हूँ। तो आज का जो था ना, वो जब बच्चे होते हैं घर में तो वहाँ पे कुछ होता है, चारपाई पूजन होता है और चरुआ चरुआ पूजन होता है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे गांव साइड में ऐसा नहीं होता है। और जहाँ कानपुर में रहती थी तो वहाँ पे कुछ लोग ये रस्म करते थे। मेरे चाचा चाची हैं, उनके यहाँ पे ये रस्म होती थी, तो वहाँ पे एक बार मैंने देखा था और आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने से की है। तो नीचे तो धान तरी पकड़े, ऐसे ही खाओ, ऐसे तरी पकड़ेंगे। हां तरी पकड़ ले ले, सीर का ऊपर आया ले यार। उस वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है किसी किसी के यहाँ पे ये रस्म होती हो, और हाँ किसके यहाँ पर ये रस्म होती है वो कमेंट ज़रूर कर रहे हैं, मुझे भी तो पता चले कि हाँ किसके यहाँ होती है और कौन सी सिटी से वो लोग बिलोंग कर रहे हैं। जो भी मुझे कमेंट करेंगे आप लोग ना ये चीज़ मुझे बता दीजिए, किस सिटी से हैं और किसके गाँव में ये रस्म होती है, किस सिटी में ये रस्म होती है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, सिंपल सा है, थोड़ा बहुत है, जैसे तैसे शूट कर लिया, क्योंकि एक बहू हो ना तो हर जगह अपना फ़ोन निकाल नहीं सकती हूँ। तो जैसा भी होता है थोड़ा थोड़ा वीडियो मैं बना लेती हूँ। बाकी चाची जी के जो बेटे हैं मेरे, देवर जी, उनसे बोला था कि भैया ये वीडियो शूट कर दीजिए, तो उन्होंने शूट किया था, जितना हो सका उतना शूट किया है। बाकी आप लोगों के लिए इतना बहुत है, मेरे लिए भी बहुत है, क्योंकि मैं ऐसे शूट नहीं कर पाती हूँ। और वीडियो वॉच ज़रूर कीजिए, ऐसे ही आपको बहुत से ब्लॉग्स हैं जो देखने को मिलेंगे। अभी मेरा शादी का पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड किया था शादी के टाइम पे, पार्ट टू वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जल्द ही मैं पार्ट टू भी वीडियो आपके साथ अपलोड करूँगी। चौथी की जो रस्म होती है उसका वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन उस वीडियो को भी फुल सपोर्ट कीजिए। और यहीं पर मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।